के हाथों से, अच्छे लोगों के हाथों से हमें अवार्ड दिया, उसकी बड़ी खुशी है। दोस्तों दो लाइन गांधी जी की तरफ से होनी चाहिए पक्की। दो लाइन था मानता हूँ कि सीनियर सिटीज़न हर परिवार में, हर समाज में एक अपनी भूमिका निभाता है, और उनको इस प्रकार याद करना और उनका सम्मान करना, मैं विनोद शिला जी का बहुत अभिनंदन करता हूँ। और विशेषकर यहाँ पर मुबारक बेगम जी को याद करके, आज उनके गाने हम सब याद करेंगे, आज वो किस स्थिति में है और वो ध्यान में थे, उनका सम्मान और उनको छोटी क्यों ना हो आर्थिक मदद करना, मैं ये कल्पना समाज की ओर से इस प्रकार कलाकारों को हर समय आश्रय मिलते रहेगा, यही बात आज यहाँ बताई गई। मैं इनको छोड़ के आऊँ जरा, दो मिनट इनको छोड़ के आता हूँ। क्या बात है, ऐसा है कि बुज़ुर्गों के ऊपर उनको घर वाले हैं, बाहर वाले हैं, वो इतना ध्यान दे नहीं पाते बहुत बार अपने अपने काम में व्यस्त होने के कारण। तो एक ऐसा दिमाग में आया नगर सेवक के नाते, क्यों नहीं एक शाम वरिष्ठों के नाम हम मनाएं, और आज यहाँ पर 1950 से 1975 के गाने जो उस टाइम के लीजेंड लोगों ने गाए थे, हिट थे, फिर वो सुरैया जी है, नूरजा है, गीता दत्त है, मुबारक बेगम जी है, उनके गाने आज यहाँ पर पेश हो रहे हैं और सीनियर सिटीज़न खुद उसके ऊपर डांस कर रहे हैं। तो एक ऐसी यादें मैं सीनियर सिटीज़न को देना चाहता हूँ कि वो आने वाले जितने भी साल उनके बचे हैं इस यादों को समेट कर आनंद लेते रहे, यही इस कार्यक्रम के पीछे की भूमिका है। और साथ ही उस जमाने की लीजेंड मुबारक बेगम, जिन्होंने उस ज़माने में लोगों को बहुत मोहित कर दिया था, आज उनको हमारी तरफ से कुछ मदद, इसलिए आज हमने 2 लाख का चेक उनको आज मंच पर हमारे जो कल्चरल मिनिस्टर विनोद तावड़े जी उनके हाथों से दिया।